प्रमुख सचिव के निर्देशन में खाद्य आयुक्त ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं खरीद की स्थिति का जायजा लिया और लक्ष्य के अनुसार गेहूं खरीद के निर्देश दिए। खाद्य आयुक्त ने कहा कि किसानों की गेहूं खरीद के लिए धन की कोई कमी नहीं है, छोटे किसानों की गेहूं उनके खेतों में ही जाकर खरीदी जाए तथा उनके गेहूं मूल्य का भुगतान 72 घंटों के भीतर उनके बैंक खातों में कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, बोरों की समुचित व्यवस्था हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADM वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, डिप्टी RMO राम मोहन पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सब के हिसाब से सबसे कम जनपद में जो परचेज है सर, कानपुर संभाग में केवल 4% खरीद का पूरा ही पूरा करना है। यदि मंडी के भाव अच्छे हैं, किसान को वहाँ सुविधा मिल जा रही है तो प्राइवेट उनको भी आप एनकरेज करिए, फ्लोर मिल वालों को, वो लोग जाके गांव में ही ले लें, मंडी में ले लें। कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि प्रोक्योर करती है, उनके भी सेंटर खुले हैं, तो अगर मंडी के भाव अच्छे हैं तो ठीक है, पर हमारे सेंटर खुले रहने चाहिए, क्रियाशील रहने चाहिए, हमारे सब कर्मचारी उपस्थित रहने चाहिए और यदि किसान आता है तो उसका खरीदा जाना चाहिए। यहाँ अच्छी मतलब क्रय के बाहर जहाँ अच्छा क्रय हुआ है सर, जो है वो बरेली बस्ती है, जितना हमारे क्रय केंद्रों पर खरीद हुई है उससे ज्यादा जो है मंडियों में खरीद हुई है, लखनऊ और आगरा। तो अन्य जगह जो है मंडी को सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि जो है ये देखने में आ रहा है कि प्राइवेट जो आते थे बायर उतने नहीं है इस बात में। आप मंडी वालों से बात कर लें, DM के यहाँ मीटिंग भी करा लें, DM और कमिश्नर्स के यहाँ, और ये देख लें कि प्राइवेट जो खरीद कर रहे हैं उनको सुविधाएं मिल जाए, उनको पास वगैरह मिल जाए, कोई दिक्कत हो उनकी तो दूर हो जाए और वो लोग भी एक्टिवली आगे गेहूँ खरीद रहे हैं। मुरादाबाद ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने बिल गेहूँ का लगाया है और बरेली ने आज सूचना दी है सभी लोगों को और डेली आपको यहाँ पर सूचना दी और डेली आपको बिलिंग भी करती है, जितना जितना आपकी बिलिंग करती है।